दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो कि शौचालय बनवाया जाता है उसको आप कैसे बनवा सकते हैं, आप अपने घर में उसको कैसे बना सकते हैं और आपका जो उसका पैसा है उसको घर में कैसे आपके अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आना है। गूगल क्रोम पर जैसे ही आओगे यहाँ पर आपको टाइप करना है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड नंबर की जो वेबसाइट है हमारी स्वच्छ भारत मिशन, उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही स्वच्छ भारत मिशन पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं आपके यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट खुल गई स्वच्छ भारत मिशन की। जो पहली वेबसाइट है आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ टाइम पर आपका जो ये वेबसाइट है स्वच्छ भारत मिशन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुल के आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत की वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव है। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है सब। यहाँ पे अकाउंट के बारे में क्या है डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, मीडिया कॉर्नर में देख सकते हैं, प्रेस रिलीज, SBM न्यूज़, बहुत सारे यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर में जो कि हमारे यूज का सामान होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर IHHL सिटीजनशिप चार्टर, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने लोगों का भी जो है बन चुका वो भी देख सकते हैं कि हमारे गांव में कितने लोगों का शौचालय बना है। वहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे आपको सिटीजन्स चार्टर पे आके क्लिक करना है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपका जो है पूरा एप्लीकेशन जो प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जो सेकेंड नंबर का एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर IHL, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एप्लीकेशन फॉर IHL आपको यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कर बोलेगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों मैंने इसको पहले रजिस्टर कर दिया है, अगर आपने देखा नहीं वो वीडियो कि ISM पर जो कि स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दे दी है, उस पर जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों मैं अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया मैंने और यहाँ पर गेट OTP में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने गेट OTP पर क्लिक किया मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। OTP दोस्तों अभी मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे नहीं आया है, तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 97% जैसे जो लोग होते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP हैज़ बिन सेंट ऑन प्रोवाइड मोबाइल नंबर, OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आ गया है दोस्तों। चलिए मैं अपना OTP डाल देता हूँ, तब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट में हमेशा बनाते रहता हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प होती है। तो दोस्तों मैंने जो है एक OTP डाल दिया है, यहाँ पे जो आपका कैप्चा सिक्योरिटी कोड है 6282 यहाँ पर डाल के साइन इन पर क्लिक किया। जैसे ही मैं एक मिनट दोस्तों मैं फिर से OTP डाल देता हूँ, यहाँ पे गलत OTP बता रहा है, इंटर करेक्ट OTP बता रहा है। तो दोस्तों मेरा OTP है 778503 में डाल दिया, कैप्चा डाल देता हूँ 5591। जैसे ही मैंने कैप्चा OTP डाल के साइन इन किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा साइन इन हो गया है, मेरा प्रोफाइल आ चुका है, नेम आ चुका है, गांव का नाम आ चुका है, स्टेट का नाम आ चुका है, एप्लीकेशन जो दिखा रहा है स्टेटस वो भी दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बेनिफिशियल ओनली दोज हाउस होल्ड PPL SC ST हाउस होल्ड विथ फिजिकल डिसेबल पर्सन लैंडलैंड्स लेबर, मतलब कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, फिजिकल डिफेल है, PPL का राशन कार्ड है, ST है, पिछड़ा जाति का है, उसके लिए ही यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका ये हायर ऑफिसर की जरूरत होती है वो डिसाइड करता है कि आपको अप्रूव करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेशन पर आना है, अगर आपको अप्लाई करना है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे तो न्यू एप्लीकेशन पर आके आपको यहाँ पर आना है। ये आपके साथ पॉपअप खुलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपको जो है वो करना है। एप्लीकेशन कैन दे ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन, वो बता रहे हैं कि आप जो अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो ऑनलाइन, जो आपका लास्ट में अप्लाई करने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अर्निंग रिलेटेड वीडियो
और आधार पैन से रिलेटेड वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी मदद होगी। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, मैं अपना जो है स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश मेरा ऑलरेडी आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिद्धार्थनगर है, तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर सेलेक्ट कर लिया। और मेरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ब्लॉक जो है सौरतगढ़ ब्लॉक आता है, सौरतगढ़ मेरा ब्लॉक हो गया। ग्राम पंचायत का नेम जो है कौवा, यहाँ पे कौवा का आपका जो है कर दिया मैंने कौवा। विलेज नेम भी मेरा वही कौवा ही है। कपियाँ और खालसा हो ये जो आता है, अगर आप कपियाँ में रहते हैं तो कपियाँ सेलेक्ट कीजिए, अगर आप कौवा में रहते हैं तो कौवा सेलेक्ट कीजिए। मैं कौवा हूँ वो। अब यहाँ पे जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि हैबिटेशन नेम क्या है, मतलब कि जहाँ पे आप शौचालय बनवाने वाले हैं वो कहाँ पे है, तो वो कौवा में ही बनवाने वाले हैं, कौवा ही सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप जिसका आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आपका नाम राम है, तो यहाँ पे आप अपना नाम जो भी आपके आधार कार्ड पे है पूरे आपका आधार कार्ड पे डालना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, आपका आधार कार्ड नंबर पूरा डालना है। और यहाँ पे आई एम गिविंग माई कंसर्न यहाँ पे एग्री करके वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के थ्रू, आपका जो है आपका पिताजी का नाम, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ से, मेल है कि फीमेल, आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अंत्योदय में आते हो कि बीपीएल में आते हो, या अंत्योदय के लिए है बीपीएल वालों के लिए, अंत्योदय में आते हो तो एपीएल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर सब कैटेगरी जो होता है आपका, सब कैटेगरी एससी हो एसटी हो पीएच हो स्मॉल मार्जिन फार्मर हो लैंड, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर कार्ड टाइप आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे। फिर आपका जो है मोबाइल नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी नंबर डालना है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऑप्शनल है मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये आपका जो ऑप्शनल है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, आधार नंबर आपको डालना है। आपका जो एड्रेस डालना है आपके गाँव का एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों आपका जो सी सेक्शन सी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन सी से ही आपको जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, क्योंकि इसमें आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है आईएफएससी कोड पूछता है। आईएफएससी कोड अगर आपको पता नहीं है कि भाई मेरा आईएफएससी कोड क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे नो योर आईएफएससी कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि मेरा आईएफएससी कोड क्या है जाने, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक डालना है। आपका बैंक डालने के बाद फिर आपका जो है बैंक ब्रांच नेम, अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चिलिया का एसबीआई है, तो आप स्टेट बैंक डाल लीजिए कि स्टेट बैंक। फिर यहाँ पे आपका जो है ब्रांच का नेम चिलिया, वहाँ पे जैसे आप एसबीआई डालेंगे, मैं डाल कर दिखा देता हूँ आपको, एसबीआई पूरा डालना पड़ेगा। एक मिनट, स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो ब्रांच आपको डालना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे ब्रांच डाल लीजिए चिलिया, सी एच आई एल एच आई वाई ए, चिलिया सिद्धार्थनगर आ गया यहाँ पे डाल के, चूज योर आईएफएससी कोड। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो चिलिया का आईएफएससी कोड जो है SBI N00171 है, वहाँ पर डाल के क्लिक कीजिए। आपको बैंक नंबर एस बी डालिएगा, फिर बैंक ब्रांच नेम जो है चिलिया का, फिर चिलिया का एड्रेस डाल देगी जहाँ पे आपका बैंक है, फिर बैंक का बैंक स्टेट यूपी में ही है उत्तर प्रदेश, बैंक का डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, अकाउंट नंबर आपका जो भी अकाउंट नंबर उस पर डालना है, फिर यहाँ पे कंफर्म करना है आपका अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे आप क्या करना है, आपका जो पासबुक है पासबुक का पहला पेज जो आपका है स्कैन किया हुआ उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा आपको स्कैन करना है, क्योंकि उसमें सिर्फ पीडीएफ लेते हैं, जेपीजी लेते हैं, जेपीजी पीएनजी आर अलाउ, इमेज मस्ट बी क्लियर और 200 केबी से कम रहना चाहिए तो ही अपलोड होगा। अगर आपको जो है इमेज अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है इमेज 200 केबी से कम बना के दे दूंगा, वो भी अच्छी क्वालिटी में, उससे आपको वहाँ पे अपलोड करके अप्लाई नाउ पे ये बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप जो है अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो आपको लास्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे, उस पे अगर आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर आया, जिससे आप फ्यूचर में उसको ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा आपने।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।